फ्रेंड्स, आर्थिक परिदृश्य का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपको आई बटन से मिल जाएगा। पहला सवाल इस वीडियो का देते हैं, क्रय शक्ति समतुल्यता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले एवं दूसरे स्थान पर क्रमशः कौन से देश हैं? तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, और तीसरे स्थान पर कौन सा है? तीसरे स्थान पर स्वयं भारत है। और क्रय शक्ति समतुल्यता के आधार पर ही बताया गया है कि भारत एक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है। लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है, यानी कि LMIE है। भारत की पोजीशन जो वैश्विक स्तर पे है। और नेक्स्ट है कि टेक पाइनियर्स लिस्ट 2020 संकलित की गई है। किसके द्वारा संकलित की गई है? ये की गई है WEF के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको विश्व आर्थिक मंच कहते हैं, इसके द्वारा संकलित की गई है। और इस जो है सूची में दो जो है भारतीय फर्मों को स्थान मिला है, जिसमें से एक का नाम जस्ट मनी है, दूसरे का नाम स्टेल एप्स है। और अगली न्यूज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लेकर के है। देखते हैं क्या है कि देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में जून 2020 में भारत को 750 मिलियन $750 मिलियन के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। यानी कि 750 मिलियन $750 मिलियन भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उसके बाद में ये घोषणा जो है जो की गई है, इसमें भारत को दूसरी बार, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस निधि से भारत को दूसरी बार सहायता प्राप्त हो रही है। दरअसल यहाँ पर जो है क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी बनाई गई है, वो क्या कहते हैं, इसके द्वारा AIIB के द्वारा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा एक फंड बनाया गया है, जिसका नाम है CRF, यानी कि क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी। तो इस फंड के माध्यम से ही जो है जो AIIB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो अपने सदस्य देशों को सहायता प्रदान करता है। किस लिए? कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि AIIB ने कोविड-19 संकट निवारण सुविधा को प्रारंभिक रूप से $5 बिलियन की राशि के साथ स्थापित किया था, जिसे बाद में $10 बिलियन तक बढ़ा दिया गया। यानी कि जब CRF बनाया गया था तो वो $5 बिलियन की उसमें राशि थी, बाद में इसको बढ़ा करके $10 बिलियन कर दिया गया। तो अब इस कोष से जो है AIIB जो है वो अन्य देशों को भी सहायता पहुंचा चुका है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, चीन को उसने दिया है $355 मिलियन का, पाकिस्तान को $500 मिलियन का, बांग्लादेश को $250 मिलियन का, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस को $700 मिलियन का। तो यहीं पर जो है $750 मिलियन की जो इंडोनेशिया और फिलीपींस को दिया है, वैसे ही राहत जो है वो भारत को भी $750 मिलियन की AIIB ने दिया है। अब यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, सवाल है कि AIIB ने निम्न में से किस तिथि को लागू समझौते के बाद से परिचालनगत हुआ, तो किस तिथि से लागू समझौते के बाद परिचालन हुआ? तो यहाँ पर देखिए, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इनमें से कोई सवाल उपयुक्त नहीं है। इसका परिचालन शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2015 को। यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 दिसंबर 2015 को इसका परिचालन शुरू हुआ था। लिखा है कि बहुपक्षीय विकास बैंक AIIB ने 25 दिसंबर 2015 को हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार परिचालन शुरू किया। 16 जनवरी को बीजिंग में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली बैठक में बैंक द्वारा व्यवसाय शुरू करने की घोषणा की गई। यानी कि AIIB को प्रारंभ करने में बीजिंग जो है, बीजिंग का महत्वपूर्ण योगदान है, एक प्रकार से चीन का जो है योगदान रहा है, लेकिन साथ में अन्य देशों की भी जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। 23 जून 2020 को एशियाई विकास बैंक केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के समूह नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ। NGFS को कब पेरिस वन प्लैनेट समिट में शुरू किया गया था? देखिए यहाँ पर लिखा है MGFS, लेकिन यहाँ पर MGFS नहीं है, यहाँ पर ये होगा NGFS। तो NGFS को जो है कब शुरू किया गया था और कहाँ पे शुरू किया गया था, किस समिट में शुरू किया गया था? तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, इसको शुरू किया गया था दिसंबर 2017 में, यानी कि 12 दिसंबर 2017 को इसको शुरू किया गया था, और पेरिस वन प्लैनेट समिट की जो है बैठक में इसको जो है शुरू किया गया था। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि NGFS को 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लैनेट समिट में शुरू किया गया। वित्तीय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए यह केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है, जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय क्षेत्रों में पर्यावरण और जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान करने के लिए इच्छुक है। अब देखिए यहाँ पर जो पर्यवेक्षक हैं, पर्यवेक्षक में दरअसल कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ शामिल हैं, जैसे यहाँ पर विश्व बैंक शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, IMF है, मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। तो इतने संस्थाएं जो है NGFS में शामिल हैं, प्लस और बहुत सारे जो है केंद्रीय बैंक भी इसमें शामिल हैं।
और अगली न्यूज आरबीआई से जुड़ी हुई है। देखते हैं कि आरबीआई ने 29 जून 2020 को मुक्त बाजार परिचालन, जिसको आप ओएमओ बोलते हो, ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन की घोषणा की है। उपरोक्त तो घोषणा के क्रम में 2 जुलाई 2020 को 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री किए जाने का प्रावधान है। ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ओएमओ एक मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण है जो केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आयोजित की जाती है। यहाँ पर किसके लिए, मुद्रा आपूर्ति, यानी कि ओएमओ के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो है सप्लाई की जाती है, लिक्विडिटी को जो है बढ़ाया जाता है। अक्सर ये परिचालन दिन प्रतिदिन के, देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि दिन प्रतिदिन के आधार पर किया जाता है, जो बैंकों को उधार देने में मदद के साथ साथ मुद्रा स्फीति को संतुलित करने के काम आती है। अब यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ हम सवाल देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल है कि 29 जून 2020 को आरबीआई ने कितनी राशि के खुला बाजार परिचालन की घोषणा की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपये। CMFRI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय मरीन समुद्री फिश प्रोडक्शन में 2019 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कि भारत में CMFRI एक संस्था है जिसका पूरा नाम है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भारत में मछली उत्पादन के आंकड़ों को जारी करता है। तो 2019 का आंकड़ा जारी किया गया है, इसके अनुसार बताया गया है कि भारत में मछली उत्पादन में 2.1% की जो है वृद्धि हुई है, जो कि जो है 3.56 मिलियन टन के बराबर है। और मछली उत्पादन में जो है तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है, दूसरे स्थान पर जो है गुजरात है और तीसरे स्थान पर केरल है। और नेक्स्ट है कि 24 जून 2020 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और गवर्नेंस में सुधार हेतु कितनी राशि के ऋण की स्वीकृति प्रदान की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा $500 मिलियन। और आपको पता होगा कि विश्व बैंक के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और मैनेजमेंट में जो उसका संचालन है, यानी कि जिसको गवर्नेंस कहते हैं, उसमें सुधार करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम है स्टार्स। और इसी स्टार्स पहल के लिए $500 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। स्टार्स का पूरा नाम होगा स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम्स। और नेक्स्ट है कि RBI द्वारा जारी IIP यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019-20 में FDI कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो FDI में 2019-20 के अनुसार $19 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशंस नामक रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा RBI। 30 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा का पहला संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया। मई 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कितनी राशि के निवेश के साथ शुरू की गई थी, तो मई 2020 में इस योजना को 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ में शुरू किया गया था। और इस वीडियो का अंतिम सवाल है कि 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी प्रदान की, इस योजना के संबंध में विकल्पों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि देशव्यापी केंद्र क्षेत्र योजना, यानी कि जो कृषि अवसंरचना कोष प्रारंभ किया गया है, ये जो है पूरे देश में लागू होगा और ये पूरी की पूरी तरीके से केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। अब पहला स्टेटमेंट है कि यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु व्यवहार परियोजनाओं में निवेश हेतु एक मध्यम दीर्घावधिक ऋण वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें ब्याज भी दिया जाए, ब्याज और अनुदान जो है ब्याज अनुदान दिया जाएगा, यानी कि जो ब्याज होगा उस पर कुछ जो है माफ़ किया जाएगा उसको, और एक प्रकार से वित्तीय सहायता दी जाएगी जो मध्यम दीर्घ अवधिक होगी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि इस योजना की समयावधि वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर के 2029 तक के लिए होगी, तो यानी कि ये टोटल ये 10 वर्ष के लिए होगी। और तीसरा है कि ऋण का वितरण 5 वर्षों में किया जाएगा। तो देखिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऋण का वितरण 5 वर्षों में नहीं किया जाएगा, ऋण का वितरण जो है वो 4 वर्षों में किया जाएगा। और अंतिम है कि चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए और आगामी 3 वित्तीय वर्ष के लिए 30,000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी प्रदान की गई है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि सी स्टेटमेंट इसका गलत होगा। ई दृष्टि के और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें एग्जाम स्टडी XE, वहाँ पर जो है चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आपकी परीक्षा के लिहाज से ढेर सारी वीडियोस डले हुए हैं। और उसके साथ ही में जो है
और सारे वीडियोज अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपकी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे जैसे कि चर्चित अनुच्छेद जो हर प्रकार की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो है अनुच्छेद में जो है कौन सा भाग किस अनुच्छेद से है या किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, प्लस जो है दृष्टि के ई दृष्टि के मंथली जो है वीडियोज यहाँ पर करंट अफेयर्स मैगजीन के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में जो ई दृष्टि का रिमाइंडर वार्षिकांक आता है वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, प्लस जो है ई दृष्टि का जो रिमाइंडर का जो प्रैक्टिस सेट है जहाँ के बहुत सारे सवाल जो है बीयू के एग्जाम में देखने को मिले वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा सहायक अध्यापक परीक्षा से जुड़े आपको जो है सोशल के बहुत सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे, और इस प्रकार से बहुत सारे आपकी वीडियो हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।